गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द केमिकल साइंस। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक सिस्टम। इससे पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं एरोमेटिसिटी का इंट्रोडक्शन पार्ट, एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कैसे होता है वो हमने पिछली दो वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक सिस्टम। फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक सिस्टम का एग्जांपल मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया है। इस तरह से रिंग फ्यूज होनी चाहिए, तो हमें कैसे इसमें एरोमेटिक देखना है कि ये कैसे एरोमेटिक होगा, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से एग्जांपल, हम ये पहले थे थ्री जो आपस में फ्यूज है, थ्री मेंबर रिंग। यहाँ पर कुछ लिखा गया है, इसको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कैसे ये इसी का है, लेकिन मैं इसको कराते समय जो समझा दूंगा फिर बाद में वही लिखना रह जाए। तो सबसे पहले इसको करने के लिए इसमें एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, सबसे पहले हाँ इसमें एक चीज़, इसमें पहला पॉइंट देख लीजिए, फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम लिख लेगा, फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम इज एरोमेटिक या फिर एनेक मतलब नॉन एरोमेटिक बट नेवर बी एंटी एरोमेटिक। ये एक मतलब एंटी एरोमेटिक, ठीक है। जब हमारे पास फ्यूज रिंग होगी इसमें हमारे पास जो भी कंपाउंड होगा वो या तो एरोमेटिक होगा या तो नॉन एरोमेटिक होगा, लेकिन कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, वही यहाँ पर लिखा गया है। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है इसको हम ब्रेक करेंगे एक साइड, या तो हम इसको इस साइड ब्रेक कर सकते हैं या तो फिर हम इसको इस साइड ब्रेक कर सकते हैं इस कार्बन पर। तो जब हम इस साइड ब्रेक कर रहे हैं तो क्या आएगा, इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये इधर डबल बॉन्ड ये तो है, जब इधर ब्रेक हुआ बॉन्ड तो इस पर आएगा माइनस चार्ज और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये माइनस पास दो लोन पेयर है ना, मतलब एक लोन पेयर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब देखेंगे अब हम इस रिंग में कौन सा एरोमेटिक कौन सा एंटी एरोमेटिक, जैसे कि अब ये इस बॉन्ड से जुड़ा है तो इसको अब हमें नहीं देखना है, अब इस रिंग को देखने के लिए अब हमें बस इतना सिस्टम देखना है। तो ये देखिए ये साइक्लिक है, प्लेनर है, और ये देखिए डबल, ये सिंगल, और इधर कोई चार्ज, और इधर सिंगल, फिर ये डबल, यानी कि ये डीलोकलाइजेशन में भी है, और ये दो और ये दो चार, फोर पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये रिंग हो जाएगी हमारी एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अभी इस रिंग की बात हुई, अब उसी तरह से अब हम इस रिंग को देखेंगे, इसको हम नहीं देखेंगे, इसको हम ढक देते हैं या फिर उसको हमें नहीं मानना है, अब हमें सिर्फ इस रिंग का देखना है। तो इधर देखेंगे ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन में भी है, डबल सिंगल, ये इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर सिंगल, फिर इधर डबल, पूरा कंजुगेशन में भी है, और इसमें टू पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये रिंग हो जाएगी एरोमेटिक, ठीक। अब ये रिंग एरोमेटिक, ये रिंग एंटी एरोमेटिक, तो ओवरऑल ये कंपाउंड क्या होगा वो लिखा गया यहाँ पर, बोथ रिंग एरोमेटिक, यहाँ पर दोनों एरोमेटिक नहीं है, एक एरोमेटिक है एक एंटी एरोमेटिक है, तो वन इज एरोमेटिक, एक मतलब एरोमेटिक एंड अदर इज एंटी एरोमेटिक, तब क्या होगा, देखिए ये अगर एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, तो हमारे पास कंपाउंड होगा नॉन एरोमेटिक, ये वाला हो जाएगा हमारा नॉन एरोमेटिक, ओवरऑल हो जाएगा हमारा ये नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब हम दूसरी साइड अगर ब्रेक कर लें, अगर हम इस साइड ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इधर ये डबल बॉन्ड, इधर ये डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा निगेटिव, और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन ही होता है, ये मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा, ये बता देता हूँ फिर, ये पॉजिटिव चार्ज। अब उसी तरह से मैं ये वाला देखिए, ये वाली रिंग जो थी वो इस साइड आ गई है, तो ये वाला हो जाएगा एंटी एरोमेटिक और ये वाला हो जाएगा एरोमेटिक, ओवरऑल ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, जब अब चाहे इधर वाला एरोमेटिक हो चाहे उधर वाला एरोमेटिक हो, एंटी एरोमेटिक हो चाहे इधर वाला, मतलब एक रिंग एरोमेटिक है दूसरी एंटी एरोमेटिक है, तो हमारे पास ओवरऑल कंपाउंड होता है नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, इसको हम यहाँ से नॉन एरोमेटिक यहाँ पे लिख देते हैं नॉन एरोमेटिक। अब हम इसको देखते हैं, इसमें भी हमें इस बॉन्ड को इस साइड ब्रेक करना है, और या तो हम इस साइड ब्रेक कर सकते हैं या तो इस साइड ब्रेक कर सकते हैं। जब हम इस साइड ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, जब इस साइड ब्रेक करते हैं
तो इधर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखिए, अभी इस रिंग को हमें देखना है, साइक्लिक है, प्लेनर है, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, फिर उसके बाद इधर कोई चार्ज, फिर सिंगल, फिर डबल, यानी कि ये पूरा कॉन्जुगेशन में भी है। तो अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, दो दो चार छः, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4n प्लस 2 पाई को फॉलो कर रहा है। ये रिंग हो जाएगी एरोमेटिक, ये रिंग होगी एरोमेटिक। अब इसमें देखेंगे कॉन्जुगेशन, साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेशन सब है, बस इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई किस में होता है, एंटी एरोमेटिक में। तब एक एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक, तो ओवरऑल एक कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन एरोमेटिक। ओवरऑल ये कंपाउंड क्या है हमारे पास, नॉन एरोमेटिक। अब हम दूसरी साइड से अगर इसको, इस साइड अगर ब्रेक करते हैं तब क्या होगा, माइनस चार इधर आएगा, पॉजिटिव चार इधर आएगा। तो जिस पे पॉजिटिव था, ये वाला पॉजिटिव वाला एंटी एरोमेटिक था, और जिस पे नेगेटिव था वो एरोमेटिक था, ये वाला एरोमेटिक। ओवरऑल ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। उसी तरह से हम इसको भी कर लेंगे, या तो ये इस साइड ब्रेक हो सकता है, या फिर ये इस साइड ब्रेक हो सकता है। जब हम इस साइड करेंगे तो क्या आएगा, चलिए मैं यहीं पर कर देता हूँ, ठीक है, चलिए इधर कर लेते हैं। इधर आया निगेटिव, इधर आया पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, इधर डबल वन, ये डबल वन, ये डबल वन, ठीक है। हाँ, अब इस रिंग को देखेंगे हम, साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेशन सब है। अब दो दो चार दो छः दो आठ, एट पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4n पाई को फॉलो कर रहा है। ये हो जाएगा हमारे पास एंटी एरोमेटिक, ये वाला हो जाएगा एरोमेटिक। ओवरऑल ये कंपाउंड हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। उसी तरह से आप यहाँ वाला आप बना लेंगे, ये वाला माइनस चार्ज इधर आएगा, इस पर आएगा पॉजिटिव, यानी कि माइनस इधर, पॉजिटिव इधर, ये एंटी एरोमेटिक वाला इधर आ जाएगा, ये वाली एंटी एरोमेटिक हो जाएगी, और वो वाला एरोमेटिक हो जाएगा। ओवरऑल कंपाउंड आपके पास नॉन एरोमेटिक होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं, ये पहले 3-3 मेंबर था, 5-5 था, 7-7 था, सेम था, सेम। अब देखिए 3-5, 3-7, 5-7, डिफरेंट डिफरेंट है, तब क्या होगा। हमें वैसे ही करना है जैसे हम करते आए हैं, या तो हम इसको इस साइड ब्रेक कर सकते हैं, या तो इस साइड कर सकते हैं। उसके बाद पहले हम ब्रेक कर लेते हैं, पहले ये थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी रिंग हो सकती है, आप लोग सही से बनाएंगे, बना लेंगे। इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव। अब ओवरऑल रिंग देखेंगे हम, कंजुगेटेड, साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेशन सब है। अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, दो दो चार और ये छः, इसमें हो जाएगा ये सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, ये रिंग हो जाएगी एरोमेटिक, और ये हो जाएगी एंटी एरोमेटिक, नहीं टू पाई इलेक्ट्रॉन है, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, ये वाली हो जाएगी एरोमेटिक, इसमें टू पाई इलेक्ट्रॉन है, ये वाला भी हो जाएगा एरोमेटिक। जब दोनों रिंग एरोमेटिक एरोमेटिक, देखिए इधर बोथ रिंग एरोमेटिक, तो ओवरऑल कंपाउंड क्या होगा हमारे पास, एरोमेटिक, ये हो जाएगा एरोमेटिक, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ एरोमेटिक, ओवरऑल एरोमेटिक, ठीक है। अब हम अगर इसको इस साइड ब्रेक करें, माइनस चार्ज इस पर, पॉजिटिव चार्ज इस पर, तो इस पर आ गया, अब ये हो गया इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गई एंटी एरोमेटिक, ये हो गया एंटी एरोमेटिक, इसमें दो दो चार, इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी हो गया एंटी एरोमेटिक। जब दोनों बोथ वो इधर रिंग है, ये रिंग है ना, बोथ रिंग एंटी एरोमेटिक, तब ये हमारे पास कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक। ओवरऑल ये भी क्या है, एरोमेटिक। आगे चलते हैं, इसको हम इस साइड ब्रेक कर सकते हैं, या फिर इसको इस साइड ब्रेक कर सकते हैं। चलिए इस साइड पहले करते हैं,
तो इस पर आया निगेटिव, इस पर आया पॉजिटिव, ये हो गया डबल बॉन्ड। साइक्लिक प्लेनर कंजुगेटेड तो सब हैं, ठीक है। साइक्लिक प्लेनर कंजुगेशन है, दो दो चार फोर पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हो गई ये एंटी एरोमेटिक, ठीक। इसमें दो दो चार छः, ये हो गया एरोमेटिक। जब एक एंटी, ये वाली एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, जब दोनों डिफरेंट होती है तो ये ओवरऑल कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन एरोमेटिक। सही। इसमें देखते हैं अगर इस साइड ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा निगेटिव, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये रिंग हो जाएगी एंटी एरोमेटिक, और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये वाली हो जाएगी एरोमेटिक। ओवरऑल कंपाउंड होगा अपने आपके पास, इधर लिखते हैं नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक है, ठीक। अब इसको देखते हैं ये क्या कहता है, ये तो इस साइड में रखो, या तो इस साइड में रखो, सही है ना। इधर माइनस, इधर प्लस, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये वाली एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये वाली भी एरोमेटिक, ओवरऑल कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक। इधर वाला भी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। आप बना लेंगे इसे, जब इसको उधर आप ड्रॉ करेंगे, जब यहाँ पर आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस, तो ये इधर दो दो चार दो छः, 8 पाई इलेक्ट्रॉन ये वाली हो जाएगी एंटी एरोमेटिक, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन ये भी एंटी एरोमेटिक। जब दोनों सेम सेम एंटी एंटी एरोमेटिक होते हैं तब भी हमारा होता है एरोमेटिक। अब इसको आप पूरा ध्यान से देख लें, सच टाइप ऑफ कंपाउंड एरोमेटिक, इस तरह के सिस्टम में जो भी हमारे पास कंपाउंड होगा वो या तो एरोमेटिक होगा या तो नॉन एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक कभी नहीं होगा। इसमें कहा गया अगर बोथ रिंग एरोमेटिक हों तो ओवरऑल, अगर इस दोनों रिंग आपके पास एरोमेटिक है तब आपके पास जो कंपाउंड होगा वो आएगा वो भी एरोमेटिक होगा, लेकिन अगर बोथ दोनों एंटी एरोमेटिक हैं तब भी आपके पास कंपाउंड जो होगा वो भी एरोमेटिक होगा। और जब एक एरोमेटिक और दूसरी एंटी एरोमेटिक हो, एक एरोमेटिक दूसरी एंटी एरोमेटिक हो, तो आपके पास ओवरऑल कंपाउंड, ओवरऑल इस मॉलिक्यूल को हम क्या कह सकते हैं, नॉन एरोमेटिक। इससे अब हम चाहे इस बॉन्ड को इस साइड ब्रेक करें चाहे इस साइड ब्रेक करें, दोनों करने के बाद ओवरऑल जो कंपाउंड मिलता है वो सेम मिलता है। इधर देखिए ये नॉन एरोमेटिक, ये वाला भी नॉन एरोमेटिक, अगर इधर ये नॉन एरोमेटिक है तो ये वाला भी नॉन एरोमेटिक है, ये तो आपको करना था। अगर ये नॉन एरोमेटिक है तो इधर वाला जो भी आएगा वो भी नॉन एरोमेटिक होगा। वैसे इधर भी है, ये वाला एरोमेटिक हुआ, ये वाला भी एरोमेटिक, ये वाला नॉन एरोमेटिक, ये वाला भी नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये वाला भी एरोमेटिक। यानी कि चाहे इसको आप इस साइड ब्रेक करें चाहे इस साइड ब्रेक करें, ब्रेक करके जो भी करेंगे आपके पास मालिक थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट आएगा। इधर देखिए दोनों एरोमेटिक एरोमेटिक साथ, यहाँ पर दोनों एंटी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, लेकिन ओवरऑल मालिक्यूल आपके पास सेम होगा, या तो एरोमेटिक होगा या तो नॉन एरोमेटिक होगा। अब देखते हैं कुछ मालिकुलर ऑर्बिटल वाला, देख क्या है वो देख लेते हैं अभी थोड़ी देर। तो अब देख लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर साइक्लोप्रोपेनियम आयन। सबसे पहले साइक्लोप्रोपेनियम आयन, फिर साइक्लोबुटाडीन, फिर साइक्लोपेंटाडीन कैटायन, यहाँ पर कैटायन, और बेंजीन का, फिर साइक्लोहेप्टाडीन एनायन का, फिर उसके बाद सीओटी मतलब साइक्लोक्टेट्राइन का। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रूल्स फॉर साइक्लोप्रोपेनियम आयन से। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, साइक्लोप्रोपेनियम आयन अगर आपको नाम पता है तो इसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, ये तो पता ही होगा। हाँ, इसको स्ट्रक्चर सबसे पहले इस तरह से देखने के बाद हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब हम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है, नॉर्मली हम जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम इसी तरह से कर देते हैं, लेकिन हमें जो इसका ये ऊपर ये जो नुकीला वाला पार्ट है इसको हमें नीचे की साइड करके ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम इसको, ये इक्विवेलेंट का साइन होता है ये तो पता ही होगा, ये हम इसको इस तरह नीचे करके इसको ड्रॉ करेंगे, ये नुकीला वाला पोर्शन उसे नीचे होना चाहिए, और ये डबल बॉन्ड इधर। अब इसमें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि इस कार्बन है, इस कार्बन के लिए एक बॉन्ड
एक अरबे एक इस तरह से हम ड्रा करेंगे जहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है, और दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। तो हम इसको निकाल कर इधर बाहर ड्रा करते हैं, जैसे कि इस कार्बन के लिए हमने यहाँ पर ड्रा किया, और इस कार्बन के लिए हमने यहाँ पर, और इस कार्बन के लिए हमने यहाँ पर। अब इसमें करनी है हमें इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग। तो यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दो है, एक पाई बॉन्ड है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन पहले है इस तरह से फिल होगा, दूसरा इस तरह से फिल होगा, ठीक। अब इन दोनों के बीच से देखिए, ऊपर दो कार्बन है, नीचे एक कार्बन है, इन दोनों का बीच वाला पोर्शन मिड में कहाँ होगा? तो अगर हम इधर एकदम बीच से करेंगे तो नीचे एक कार्बन ऊपर दो कार्बन, तो हम इधर से थोड़ा करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ से हम बीच से एक इस तरह से लाइन गुजार देते हैं। यह होती है नॉन बॉन्डिंग, इसके नीचे होती है बॉन्डिंग, इसके ऊपर होती है एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें अब हमारे पास बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो दो हैं। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। एंटी बॉन्डिंग में अभी नहीं गया, अब हम आगे चलते हैं साइक्लोबुटाडीन में देखते हैं। साइक्लोबुटाडीन में आप इसी तरह से स्ट्रक्चर देखेंगे ज़्यादातर, लेकिन अब हमें भी कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है कि नोक वाला पोर्शन नीचे रहे, जैसे कि कुछ इस तरह से ये पोर्शन इसका नुकीला वाला पार्ट नीचे, और इधर हम बना देंगे साइक्लोबुटाडीन। और अब हम इस कार्बन के लिए इधर एक, और इस कार्बन के लिए इधर, और इस कार्बन के लिए इधर, और ऊपर वाले कार्बन के लिए इधर। आप चाहे तो इधर पहले ड्रॉ करके फिर उसी तरह से वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कितने पाए, हाँ पहले इसमें हम नॉन बॉन्डिंग वाला खींच देते हैं। देखिए एक कार्बन इधर है, एक कार्बन ऊपर है, और दो कार्बन बीच में है। तो इधर हमसे जब नॉन बॉन्डिंग वाली लाइन गुजारेंगे तो कहाँ से जाएगी, वो बिल्कुल इसके बीच से होते हुए जाएगी, यहाँ से बीच से होती होगी। अब इसमें है फोर पाई इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, तो और तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर। तो दो इलेक्ट्रॉन हमारे गए नॉन बॉन्डिंग में, और ये वाला बॉन्डिंग, और ये वाला एंटी बॉन्डिंग। ये है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब हम इसी तरह से इसका कर लेंगे, इसका भी ये वाला पोर्शन नीचे करेंगे। इधर प्लस, अब हम इस कार्बन वाला, इस कार्बन के सामने यहाँ पर ये ड्रॉ, और इस कार्बन के लिए यहाँ पर एक, यहाँ पर फिर इसके बाद दो, इसके सामने एक, यहाँ पर, यहाँ पर। अब इसके बीच से देखिए नॉन बॉन्डिंग वाला हम कहाँ से पास करेंगे, अगर इधर से पास कर देंगे इसके बीच से एकदम यहाँ से, तो ऊपर दो कार्बन है, नीचे एक कार्बन है, ठीक। ऊपर दो कार्बन है, नीचे एक कार्बन है, तो इसका मतलब ये इसका बीच एकदम सेंट्रल पॉइंट नहीं है, तो इसका हम थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से इस तरह से ले जाते हैं। ये वाला होता है नॉन बॉन्डिंग, इसके नीचे वाला बॉन्डिंग, इसके ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग। अब हम इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, फोर पाई इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये बॉन्डिंग से टच नहीं है, ठीक है, बॉन्डिंग ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग मतलब, और दूसरा यहाँ पर। इस तरह से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करेंगे। इलेक्ट्रॉन फिलिंग हम वैसे ही करेंगे हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग ना, पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर जब तीसरा होगा फिर इसमें। इसमें देखते हैं बेंजीन में, अभी दिखेगा बेंजीन में, तो इसका नोक वाला पोर्शन नीचे ही है, ठीक है। अगर आपको ये इस तरह से दिया हो, यानी कि अगर कुछ इस तरह से दिया हो बेंजीन, तो सबसे पहले आप इसको इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। नॉर्मली बेंजीन हम ऐसे ही ड्रा करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास इस कार्बन के लिए ये, और इस कार्बन, ये कार्बन, और ये कार्बन, ये कार्बन, इसके लिए ये, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है। अब हम इसके सेंट्रल पॉइंट से एकला एक नॉन बॉन्डिंग वाला हम यहाँ से गुजारेंगे, ये होगा नॉन बॉन्डिंग, इसके नीचे वाला बॉन्डिंग, इसके ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग,
अब हम करते हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 4, ये 5 और ये 6, हाँ ये हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर हम कुछ और समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इस ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसे हम कहते हैं ल्यूमो। ये होमो ल्यूमो समझने के लिए आप पेरिसाइक्लिक की वीडियो देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, उसमें काफ़ी डिटेल्स में बात की गई है। पेरिसाइक्लिक में होमो ल्यूमो के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है। तो इसे कहते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे कहते हैं लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि ल्यूमो। हाँ, ओवरऑल कंपाउंड अब क्या है आप लोग तो जान ही चुके हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, और इसी तरह से आप एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक निकालना तो आप जान ही चुके हैं। इधर आप चाहे लिखना चाहे तो इसके नीचे लिख सकते हैं ये एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक। अब उसी तरह से अब हम इसमें भी कर लेते हैं, एक हमारा यहाँ पर होगा, दूसरा इसके सामने, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, फिर इसके सामने एक, ठीक। नॉन बॉन्डिंग वाला हम बीच से गुजार देंगे, एक दो, थोड़ा सा इससे यहाँ से गुजारेंगे, इस बाउंड से थोड़ा बीच ना हो, इस बाउंड के थोड़ा सा ऊपर हो, ठीक, क्योंकि बीच से गुजारेंगे तो फिर थोड़ा सा कार्बन में दिक्कत आएगी, ऊपर 4 कार्बन होगा नीचे 3 कार्बन होगा, इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप ज़्यादा हो, इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप कम हो। इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहाँ पर, फिर 1 यहाँ पर, फिर 1 यहाँ पर, फिर 1 यहाँ पर, फिर 1 यहाँ पर, 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये एंटी बॉन्डिंग में है, ये है हमारा नॉन बॉन्डिंग वाला, और नीचे है अपना बॉन्डिंग। अब हम इसी तरह से साइक्लोक्टा टेट्राइन का भी कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मली साइक्लोक्टा टेट्राइन हम इसी तरह से ड्रा करते हैं, जबकि हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसको थोड़ा सा इस तरह से करना पड़ेगा ताकि ये वाला पोर्शन जो है वो बीच में नीचे की साइड आ सके, तो मैंने इसको यहाँ पे ड्रा कर दिया पहले से ही। तो फिर अब हम इसके लिए यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, एक यहाँ पर, फिर उसके लिए एक यहाँ पर, ये फिर, ये फिर उसके बाद ये रहा, ये वाला, ये वाला, फिर उसके बाद फिर इसके सामने आएगा, फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर, फिर उसके बाद एक बॉन्ड इधर बीच में, इसमें आपका जो नॉन बॉन्डिंग होगा वो इधर बीच से जाएगा, ठीक है। ये बीच, ये थोड़ा सा नीचे होकर लगता है, आप लोग इधर बना लेंगे, वो यहाँ पर है। अब इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये वाला बॉन्डिंग में, ये वाला नॉन बॉन्डिंग, और ये वाला एंटी बॉन्डिंग, ठीक। अब ये एरोमेटिक होता है या एंटी एरोमेटिक इसके बारे में डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन हाँ पहले ये देख लेते हैं ना। तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये सारे हो गए। हम पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन देखे थे जो कि हमारे पास था, ये वाला, ये कटायन, और एक और था अनायन वाला। जैसे कि ये साइक्लोक्टा टेट्राइन था, इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में इस तरह नहीं होता, ये होता है टब शेप में ना, और ये होता है, होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये होता है नॉन एरोमेटिक। क्यों, ये रीज़न मैंने बताया था स्टेबिलिटी को थोड़ा देखते हुए। अब रिंग में नहीं कहता, रिंग थोड़ा बड़ी होगी तो थोड़ा, हाँ ऊपर नीचे होती है रिंग, लेकिन रिंग वाला फैक्टर यहाँ पर भी वही हो जाएगा ना, ये वाले भी बड़ी है, फिर इसमें भी ऊपर नीचे होगा। पहले हम समझते हैं क्या है कैसे। देखिए ये पूरा साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है, डबल सिंगल, इधर पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल, फिर डबल, यानी कि पूरा कंजुगेशन है। अब ये प्लेनर है कि नहीं है, जैसे कि ये वाला प्लेनर नहीं था क्योंकि ये रिंग बड़ी थी, ये एंटी एरोमेटिक था, लेकिन अगर इसे प्लेनर अगर हम माने तो ये हो जाएगा एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। और इसमें देखें कंजुगेशन, साइक्लिक प्लेनर कंजुगेशन और
दो 10 pi इलेक्ट्रॉन है, 10 pi इलेक्ट्रॉन ये वाला भी हो जाएगा एरोमेटिक। तो क्या ये एरोमेटिक है? तो एरोमेटिक ही रहेगा। तो हमें उसके लिए हमें देखनी होगी स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर था एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर उसके बाद था नॉन एरोमेटिक, फिर उसके बाद था एंटी एरोमेटिक। तो जैसे कि ये था एंटी एरोमेटिक, ये था एंटी एरोमेटिक। ये अपनी शेप बदल कर आ गया टब शेप में, टब शेप में आने के बाद ये हो गया नॉन एरोमेटिक, ये हो गया नॉन एरोमेटिक, यानी कि इससे ज़्यादा स्टेबल हो गया ये। जब पहले एंटी एरोमेटिक था, अब नॉन एरोमेटिक हुआ तो ज़्यादा स्टेबल हो गया नॉन एरोमेटिक वाले फॉर्म में, यानी कि टब शेप वाले में ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो इसलिए इसकी प्लेनरिटी लॉस हो जाती है। लेकिन अब इसमें देखिए, ये डाई कैटायन और डाई अनायन में ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। अगर ये अपनी शेप बदल कर टब शेप में आए तो क्या हो जाएगा? प्लेनर नहीं हो जाएगा, प्लेनरिटी लॉस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक के कंपेरिजन में एरोमेटिक वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए ये अगला कंपाउंड एरोमेटिक ही होता है। ठीक, अगर ये अपनी प्लेनरिटी को ये दोनों लॉस करेंगे तो ये नॉन एरोमेटिक में जाएंगे, यानी कि स्टेबल से अनस्टेबल, लेस स्टेबल की तरफ जाएंगे। तो ये लेस स्टेबल, कोई भी कंपाउंड लेस स्टेबल में नहीं रहना चाहता, वो स्टेबिलिटी खोजता है। तो वो एरोमेटिक है, पहले से ही स्टेबल है, तो वो नॉन एरोमेटिक ना होकर कि ये एरोमेटिक ही ये दोनों रहते हैं। ठीक, ये था इसका आंसर, और इसका रीज़न भी था ये स्टेबिलिटी के आधार पर, क्योंकि रिंग के आधार पर करेंगे तो रिंग इधर भी एट मेंबर है, उधर भी एट मेंबर है, तो रिंग से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो इधर हम देखते हैं स्टेबिलिटी के आधार से। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। फिलहाल आज के इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, खुदा हाफिज़। आप थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं।